तो ये है हमारी बालकनी। और यहाँ पर सेंट्रल हीटिंग है, अ नाइस शैंडेलियर। हमारा एक ब्रिटिश लेडी था, वो 3 साल यहाँ ही था। अच्छा। बहुत बुरी थी वो। अच्छा। ओल्ड लेडी। अच्छा। तो हम उसको एज अ वेटर काम करता था, हम 10-12 अच्छा। साल का था। अच्छा। उस वक्त तो हम गांदरबल में था। अच्छा। हमको कुछ पता नहीं चला, तो उसको यहाँ मेलनसन था जिसका स्कूल यहाँ है, मेलनसन, वो भी ब्रिटिश था, वो आ गया 2 दिन पहले। अच्छा। तो उसको ले गया, बोला ये जाएगा 1-2 दिन के लिए, फिर वापस आएगा। हाउस बोट में ही रहा, हमको कुछ पता नहीं था। इसी 2 दिन में कबाली आ गया वो उधर पाकिस्तान से, तो सब बंद हो गया, हम लोग भी बंद हो गए वहाँ। तो फिर कैसा आता था, फिर आ गया आर्मी, बम्बार आ गया, वो कबालियों को हटाया, फिर हमने हाउस बोट श्रीनगर लाया। कितना दिन लगा उस चीज़? 4 दिन। आइए कश्मीरी फैमिली का किचन देखते हैं। ये है किचन, यहाँ पे अलग अलग किस्म की क्रॉकरीज है, मिक्स्ड है, ये कॉपर है। हाँ। ओके, विदाउट पॉलिश। विदाउट पॉलिश। और उसको चांदी का पॉलिश। हाँ, उसको फिर सिल्वर पॉलिश करते हैं। बहू बोलो बोलो बेटी है। हाँ। तो जो मेरी मिसिस भी खाना बनाती हैं, मगर हमारा कल्चर ये है, जब हम खाएगा हमारी नज़र अपने स्वीट्स पर होना चाहिए। बेटी सच्ची, तो उसमें खाने में लज्जत होता है, उसमें बरकत भी होता है, इकट्ठे खाते हैं। और यहाँ पर खाया जाता है, खाना बस अभी खाना बन गया। आलू बनाया। ओके। आलू चिप्स आप टेस्ट करेंगे? ओके। हाँ, कीजिए कीजिए। थैंक यू। सलाम अलैकुम। तो होटल से हमारी सवारी हाउस बोट की ओर जा रही है। हेलो गाइस, दिस इज़ वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और श्रीनगर में जब आप आते हैं तो डल लेक के अलावा आपको कुछ नहीं समझ में आता। और हम अभी डल लेक पर हैं, शिकारा राइड कर रहे हैं, लेकिन हम शिकारे से जा रहे हैं हमारी हाउस बोट में। हर इंसान को हाउस बोट में रहने का शौक़ होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि हाउस बोट कैसा होगा, कैसा स्टे होता है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं और हम कैसे उसे इंजॉय कर सकते हैं। तो आज आपको ये पूरा व्लॉग उसी के बारे में है कि कैसे आप शिकारा से हाउस बोट तक जाते हैं, शिकारा को इंजॉय करते हैं और उसमें होने वाली कुछ कुछ एक्टिविटीज़ को भी कवर करेंगे। चलते हैं, ये व्लॉग यहीं से शुरू होता है। अभी हम लोगों ने घाट नंबर 12, अब आप बोलोगे घाट नंबर 12, डल लेक पर घाट के नंबर होते हैं, तो आपको आइडेंटिफिकेशन भी ईजी हो जाता है, चाहे आपके होटल हो या चाहे आपको वहाँ से हाउस बोट के लिए जाना हो। श्रीनगर की खूबसूरती को आप डल लेक की नज़र से देखिए। हर सीजन का अलग ही अंदाज होता है। 22 किलोमीटर के रेडियस में बिछा डल लेक झेलम नदी के प्रवाह से नई नवेली दुल्हन की तरह सजा हुआ रहता है। डल लेक के रिंग रोड पे आप सुबह और शाम घंटों बिता सकते हैं। सूरज की सिलौत और शिकारों को देखते हुए एक अनोखी सी फीलिंग आती है। बस यूं कहिए, श्रीनगर और डल लेक का इश्क हर आशिक का ख्वाब है। तो आगे हम हमारे हाउस बोट पर, और यहाँ का सारा टेक्निकल एस्पेक्ट भी बताऊंगी, स्टे भी बताऊंगी, और ब्यूटी जो यहाँ से दिख रही है वो कुछ हटके है। वैसे अभी मैं हूँ शाहबाज, आप देख ही रहे हो शाहबाज हाउस बोट पर, और ये खुर्शीद जी का ही हाउस बोट है, एंड मैं उन्हीं के हाउस बोट को आज आपको दिखाऊंगी। आपको अच्छा लगे तो आप इसे बुक कर सकते हैं और आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। वेलकम
वैसे सीजन के हिसाब से रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। वैसे तो आप नगीन और डाल लेक दोनों पर रह सकते हैं। करीब 910 हाउस बोट और 15,000 शिकारों की फैमिली यहाँ रहती है, जिसमें कुछ 5-स्टार, कुछ इकोनॉमी और कुछ सेमी लग्जरी हाउस बोट्स हैं। तो आप जैसे ही आप हाउस बोट में आते हैं तो आपको मिलेगा सिटिंग एरिया, जहाँ पर बहुत सारे सोफे रखे हुए हैं, एक सेंटर टेबल है खूबसूरत सा, और पूरा का पूरा हाउस बोट वुडन मेड है। वाह, यहाँ पर भी देखिए, और ये पर्दे जो हैं इस पर ये पूरा जो वर्क किया हुआ है ये निडल वर्क के हैं। वैसे तीन किस्म के वर्क होते हैं यहाँ पर, आरी वर्क है, निडल वर्क है और काठी वर्क है। कश्मीरी कावा हाउस बोट इज वेलकम टी। थैंक यू, वेलकम। और आपका नाम? रमीज। रमीज जी यहाँ के होस्ट हैं, और क्या बात है, कावा से शुरुआत। जी जी, ये भी बता दूं कि हमारे जो होस्ट हैं इनको अवार्ड भी मिला गया है 2020 में, 21 में। ओके, दैट्स कूल। मतलब इन सारे हाउस बोट में से हम एक बेस्ट होस्ट के पास हैं। थैंक यू। कहवा का मतलब क्या होता है पता है? कह, कैश कश्मीरी लैंग्वेज में 11 को बोला जाता है, और 11 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का मसाला इसमें होता है, जिसमें ड्राई फ्रूट भी होते हैं और गरम मसाले भी होते हैं और स्वीटनेस भी होती है, कहीं पे शुगर, कहीं पे हनी डाली जाती है। मेरा आवाज़ फंस रहा है, सॉरी फॉर दैट। दोनों तरफ सोफे लगे हुए हैं, और हाँ यहाँ पर तीन रूम्स हैं, लेकिन पहले डाइनिंग एरिया को एंजॉय करिए। बहुत ही बड़ा सेंटर टेबल है विद अ शांडेलिया, वेरी ब्यूटीफुल। अगेन सारे विंडो पे पर्दे उसी तरीके से एक नेट वाले हैं, और कश्मीरी वर्क है, निडल वर्क। इवन सीट जो है जिस पर हम बैठे हैं, इसका भी जो पूरा टेक्स्चर है और जो वर्क है वो कंप्लीट कश्मीरी है, मतलब कोई फ्यूजन नहीं किया गया है। हाँ, मैंने जब ये हाउस बोट के जो पहले ओनर है, एक्चुअली पहले नहीं, जो दादाजी हैं खुर्शीद जी के फादर, उन्होंने मुझे कहा कि हाउस बोट में अब तो फ्यूजन है, फ्रिज आ गया है, बाथरूम में कमोड्स आ गए हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अब तो हीटर्स है, सेंट्रल हीटिंग से काम चलता था पहले, जो मैंने आपको पहले बताया। और यहाँ पर रूम्स है, आइए, आपका स्वागत है मेरे रूम में। तो ये है मेरा आलीशान रूम मेरे हाउस बोट में। वाह, इसमें तीन लोग रह सकते हैं। यहाँ पर डबल बेड है, वो सिंगल बेड है लेकिन डबल बेड की तरह ही है, मतलब दो डबल बेड है, एक किंग साइज, एक क्वीन साइज। हीटर भी लगाया हुआ है। विंटर्स में अक्सर ब्लैंकेट्स आपको इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स मिलेंगे, तो ताकि आपके बेड वार्म रहे। अदरवाइज सेंट्रल हीटिंग भी यूज़ की जाती है कई होटलों में, तो पूरा का पूरा रूम वार्म रहता है, और ब्लोवर्स, हीटर्स दिए जाते हैं। हमारे पास हीटर और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, बस ऑन कर दीजिए और फिर वार्म लीजिए। और यहाँ पे जब सोना नहीं है, अब आइए ले चलती हूँ मेरे ड्रेसिंग रूम में। वाह, रॉयल रॉयल फील आ रही है मुझे।
अपने खुले हुए इयर रिंग को ठीक कर सकती हूँ। और ये है हमारा बाथरूम। वेस्टर्न कमोड है, पहले नहीं हुआ करते थे, बाथटब भी है। विंटर या समर हो, 2400 घंटे गर्म पानी की सप्लाई यहाँ पर होती है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाउसबोट के एक्सपीरियंस के साथ साथ आप शिकारे की सवारी और चलती फिरती रेस्टोरेंट के साथ भी कर सकते हैं, इसका भी अलग ही मजा है। आप चाहें तो विंडो शॉपिंग का लुफ्त उठाएं या शिकारे पर मजे लूटते हुए फ्रूट चाट खाएं। हनीमून कपल तो अक्सर ये मौका नहीं छोड़ते। चप्पू की हर थाप के साथ हर सांस उमंगों भरी लगती है और जैसे रोमांस हिमालयन पहाड़ियों सा दिखाई पड़ता है। चलिए थोड़ी सी सैर हो जाए। अभी हाउसबोट से कावा पी के निकले हैं, शिकारा पे कुछ पॉइंट्स घूम के आते हैं। ऑल दो हम सारे पॉइंट्स पे नहीं जाएंगे, हमें जहाँ पर जाना है, लेकिन अदरवाइज देर आर 4 पॉइंट्स 8 पॉइंट्स, डिपेंड्स ऑन यू। वैसे जब आप शिकारा पे होते हैं तो शिकारा के फ्लोटिंग शॉप्स भी होते हैं, तो ये है शिकारा शॉप और जहाँ पर ये चोकर Even I have also a nice piece. This is bracelets. Yeah. Beautiful piece. Restaurant. चलता चलता restaurant. चलता फिरता restaurant. जी. Mushroom tikka, paneer tikka, kebab, chicken tikka, fish tikka. Mushroom tikka, paneer tikka, kebab. घूमते फिरते आप बहुत सारी चीज़ों को enjoy कर सकते हैं। वैसे निसर्ग को तो कर ही सकते हैं, हाउस बोट अगल बगल में होती है। उसके अलावा यहाँ से ही आप मेन रोड को भी देख सकते हैं, जहाँ से आप डाल लेक के लिए शिकारा ले सकते हैं। आप जब शिकारा राइड लेते हैं तो शिकारा राइड में आपको एक गोल्डन पॉइंट की तरफ लेके जाया जाता है, और गोल्डन पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर 5-स्टार कैटेगरी के हाउस बोट्स दिखेंगे, जो कि ये सारे हैं। और हाउस बोट जो है वो अलग अलग रेंज में आपको मिलेंगे। ऑनलाइन तो मैंने देखा था कि इवन कुछ 400 में भी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दे में सर्व यू बेस्ट और नॉट। आप रिव्यू देख लीजिए फिर जाइएगा, लेकिन अराउंड आपको 2500 से लेकर 5000, 6000, 10000 तक आइडियली गुड हाउस बोट, फिर रेंज और बढ़ता जाता है। ऐसे शिकारे की सवारी करते हुए आप कई पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं डाल लेक में। उसमें से हम घूमे हैं नेहरू पार्क, करीब 50 यार्ड डाल लेक के बीचों बीच बसा है नेहरू पार्क, जबरवान माउंटेन्स की तलहटी पर, और जहां से शंकराचार्य मंदिर, हरि पर्वत, परी महल और हिमालयन रेंज का नज़ारा दिखाई देता है। तो सेकेंड पॉइंट आपका होता है घूमते हुए फ्लोटिंग मार्केट में, जहाँ कश्मीरी हैंडमेड प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं या फिर विंडो शॉपिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि डाल लेक पर कई फैमिलीज रहती हैं, तो यहाँ पर फार्मिंग भी होती है डाल लेक के बीचों बीच। आप चाहें तो इसका आनंद भी उठा सकते हैं कुछ देर रुककर। बॉलीवुड की हैदर फिल्म जो है ना, उसकी शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। तो घूमते हुए आप पहुंच जाते हैं मीना बाजार भी, जहां पर आपको अगेन कश्मीरी वैरायटीज की एंटीक ज्वेलरीज और कई ऐसे एंटीक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। थोड़ा रिवर्सिबल में लाइट एंड डार्क का इफेक्ट आता है। ये 300, वन साइड इज लाइक दिस कलर, अदर साइड इज दिस कलर। मेरे लिए सरप्राइजिंग है, साड़ी भी है, एंड दिस साड़ी इज कानी वर्क साड़ी, 27,000। वैसे अगर आपको वेजिटेबल मार्केट का आनंद उठाना है, जहां पर लोकल खरीदारी होती है शिकारों की, उसके लिए 6-7 बजे सुबह सुबह आपको निकलना होगा। शिकारे से आप उतर करके मेन रोड पे आ सकते हैं, जहां पे आप नाथू स्वीट्स में खा सकते हैं। वैसे हम लोग नाथू स्वीट्स में आए और यहाँ पर अभी छोले भटूरे ये शाम अस्तानी मदहोश किए जाए, कोई डोर यूं ही खींचे तेरी और लिए जाए। बस ऐसा ही कुछ डाल लेक के रिंग रोड का अंदाज है। डूबते सूरज के रंग
जब आसमान में हिमालयन रेंज पर पड़ते हैं ना, तो शान झील में सारे रंग जैसे होली खेल रहे हों, और वो छोटी छोटी टिमटिमाती हुई हाउस बोट वैसे लगती हैं जैसे सीधे आसमान में से सितारे झील में उतर आए हों। शाहबाज हाउस बोट में बुकिंग करनी है आपको तो आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा खुर्शीद जी का नंबर भी मैंने दे दिया है। और हाँ, रेट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं सीज़न के हिसाब से, तो अंदाजन 3,500 रुपीस से लेकर के आपको 7,500 रुपीस तक लग जाएंगे। और आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो भी ऑप्ट करते हैं उसके लिहाज से थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे हो सकता है। डिनर सर हो चुका है। बारिश भी शुरू हो गई है। ये है सुबह का शिकारा और हाउस बोट का यहाँ का नज़ारा। क्योंकि शिकारे का कोक जो है वो अवेलेबल नहीं है, उसकी तबीयत खराब है, मेरी भी खराब है, तो बस अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ब्रेकफास्ट भी बाहर से आया है, तो हमारा जो केयरटेकर है होस्ट रमीज, वो बाहर से लेके आया। उसके लिए शिकारे से बाहर जाना पड़ता है मेन लैंड पर, और फिर वहाँ से ब्रेकफास्ट लाना पड़ता है। ओके, टाटा बाय बाय टू माय रूम। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं और हमारे रमीज होस्ट को भी टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच रमीज, और थैंक यू टू खुर्शीद जी एंड हिज फादर फॉर गिविंग हिज यू नो इनपुट्स, और अलविदा शाहबाज हाउस बोट से। सो अगेन दिस वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और डाल लेके इस खूबसूरत सी सुबह में जब बारिश भी हो रही है उसका मतलब है कि इवन स्नो भी होने वाला है। आज हमारा श्रीनगर का इंड डे हो गया। यस, नाउ द इंड गेम। सो इसी के साथ हम लोगों का सफर यहीं पर समाप्त होता है श्रीनगर में। एक दुख ये है कि बारिश शुरू हो चुकी है और स्नोफॉल होने की संभावना पूरी तरीके से है, और तो हमारा आज लास्ट डे है। गुलमर्ग में स्नोफॉल गिर रहा है। इट्स रियली वन काइंड ऑफ अनलक्की थिंग एंड आई एम सो सॉरी। एक्चुअल में हमें अपने लिए सॉरी फील हो रहा है, क्योंकि हम चाहते थे कि स्नो कवर करें लेकिन नहीं हो पाया।